हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 12.3। ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की आर्क दी हुई है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिनका एक ही सेंटर होगा, और वो सेंटर क्या है? ओ। ठीक है, ओ सेंटर से दो सर्कल्स हैं, उनकी आर्क हमें दी हुई है कौन सी? एक सी डी और एक ए बी, और उनकी रेडियस कितनी कितनी है? 21 एंड 7। मतलब जो बड़े वाले की आर्क, बड़े वाली मतलब जो ए बी वाला आर्क होगी उसकी रेडियस कितनी है? 21, और स्मॉलर वाले की कितनी है? 7 सेंटीमीटर। एंड सेंटर ओ, सेंटर क्या है हमारा? ओ। एंगल ए ओ बी, जो ए ओ बी एंगल है डेट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये एंगल हमारा कितना है? 30 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन मतलब इस रीजन का हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये देखो, ये कौन सी शेप बन रही है? सेक्टर की शेप है ना। तो अगर हम बड़े वाले सेक्टर में से, मतलब ओ ए बी में से, अगर हम ओ सी डी को माइनस कर दें, ठीक है दोनों माइनर सेक्टर, ओ ए बी में से अगर हम ओ सी डी को माइनस कर देंगे तो कौन सा पोर्शन बच जाएगा? यही तो पोर्शन बचेगा जो हमारा शेडेड पोर्शन है। तो बस दोनों का हमें एरिया निकालना है। रेडियस हमारे पास है, थीटा हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, और फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। बस सिंपल दोनों का एरिया फाइंड आउट करके क्या कर देंगे? माइनस। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। क्या गिवन है? ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ। ये कंडीशन हमें गिवन है, तो इससे हमने क्या किया कि देयरफॉर जो ओ ए बी और ओ सी डी है वो दोनों क्या हो गए? दोनों सेक्टर्स हो गए जिनका सेंटर क्या है? ओ। और जो सेक्टर बड़े वाला था, मतलब ओ ए बी, उसकी रेडियस है 21, और ओ सी डी जो छोटे वाला था उसकी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। इसको कैपिटल आर लेट कर लिया मैंने, और इसको क्या कर लिया? स्मॉल आर। एंगल कितना दिया हुआ हमें? 30 डिग्री। फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, वो किसके इक्वल है? एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी। ये चीज मेंशन कर दी। अब एरिया का फॉर्मूला, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई। ओ ए बी की जो रेडियस थी वो कैपिटल आर है, पाई आर स्क्वायर, ऐसे माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। देखो आप चाहो तो इसमें से जो पोर्शन कॉमन है वो बाहर भी ले सकते हो। 30 डिग्री बाय में 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू मेंशन नहीं है तो हम क्या लेंगे? 22 बाय में 7। बड़े वाले की जो रेडियस है वो कितनी है? 21, तो 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस थीटा बाय 360, मतलब 30 बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 बाय 7 मल्टीप्लाई रेडियस 7 मल्टीप्लाई 7। 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, अब 2 6 जा 12, 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, ऐसे 0 से 0 कैंसिल, 3 की टेबल पे कट करेंगे 12 पे आएगा, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब 3 से ये फिर कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे? अब इसके तो डिनोमिनेटर में बच गया सिर्फ 2, और ऊपर क्या क्या है? 11 और 21। तो 21 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम? 11 के साथ। कितना आएगा? 231 बाय में 2 माइनस 11 7 जा 77 बाय में 6। अब इनका एलसीएम कितना आएगा? 2 और 6 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6 आएगा। तो 3 की मल्टीप्लाई 231 के साथ करेंगे, 693 माइनस 77 एज इट इज। तो इनको माइनस करके कितना आएगा? 616 बाय में 6, 2 के टेबल पे कट हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 0 क्योंकि 1 नहीं जाता, 2 8 जा 16, तो 308 बाय में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारे पास। क्या था? दो सेक्टर्स थे हमारे पास, शेडेड निकालना था उनके बीच का, तो बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया क्या करना है? माइनस। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें बस आपको एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला याद होगा तो उसके बाद तो देखो सभी वैल्यूज आपको गिवन है, सिंपली उसके अंदर हमें उसे पुट ही करना है। बस माइनस करके सारी वैल्यूज को पुट अप करके हमारा आंसर आ गया 308 बाय में 3। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15।
इन फिगर एबीसी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रोन विद बीसी एज डायमीटर। देखो फिगर में कह रहे हैं जो ए बी सी ये पूरा यहां तक ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट है मतलब ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। उसके बाद कह रहे हैं बीसी को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया ऊपर ये वाला विद द हेल्प ऑफ बीसी टेकिंग एज अ डायमीटर, ठीक है। अब फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इस रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ये हमारा क्या है शेडेड रीजन। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखो ये वाला हमारे पास है क्वाड्रेंट है ये पूरा, तो ये जो पोर्शन बच गया ये एक हमारी कोर्ड हो गई ना सर्कल की, तो डेट मीन्स जो ये वाला एरिया होगा ये हमारा क्या हो गया सेगमेंट का एरिया, ठीक है, उस सेगमेंट का एरिया हो गया जिसका हमें क्वाड्रेंट गिवन है, ठीक है। और उस और सेमी सर्कल ये पूरा है, अगर हम सेमी सर्कल के एरिया में से इस सेगमेंट का एरिया माइनस कर देते हैं तो क्या बच जाएगा हमारे पास शेडेड पोर्शन। देखो ध्यान से, जो ये बीसी से लेके यहां तक ऊपर पूरा ये हमारा क्या है सेमी सर्कल जिसका डायामीटर है बीसी, बीसी डायामीटर वाला जो सेमी सर्कल है, ठीक है, उसके एरिया में से ए बी रेडियस वाला जो ये हमारा क्वाड्रेंट है उसके सेगमेंट को क्या कर देंगे हम माइनस, और जो क्वाड्रेंट था उसकी रेडियस हमें दी हुई है 14, दैट मीन्स ये साइड भी हो गई 14 और ये ए बी भी हो गई 14, क्योंकि ये दोनों रेडियस ही तो है किसकी, बट क्वाड्रेंट की हमें रेडियस गिवन है, ध्यान रखना सेमी सर्कल की रेडियस हमारे पास नहीं है, सेमी सर्कल का डायामीटर बीसी है। तो अगर हमारे पास बीसी की वैल्यू आ जाएगी तब हम इसका हाफ करके क्या निकाल सकते हैं रेडियस। और देखो बीसी आप निकाल सकते हो क्योंकि ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास है हाइपोटेन्यूज, हम निकाल लेंगे। हाइपोटेन्यूज आ गई मतलब हमारा डायामीटर आ जाएगा सेमी सर्कल का, डायामीटर आ जाएगा तो रेडियस उसकी क्या होती है हाफ। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। एबीसी क्या हमारे पास क्वाड्रेंट है सर्कल का जिसकी रेडियस कितनी है 14, दैट मींस जो साइड ए बी और ए सी होंगी वो कितनी कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट का एंगल हमें पता है कितना होता है 90 डिग्री। तो सबसे पहले तो हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है, आपकी मर्जी चाहो तो पहले निकाल लो चाहे हम लास्ट में डायरेक्ट जब शेडेड पोर्शन का निकालेंगे वहां भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। तो अब उसके बाद हमने पहले क्या निकालनी है रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, तो उसके लिए हमें किसकी लेंथ चाहिए, बीसी की लेंथ चाहिए ना, तो लेके चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, जो बीसी का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम होती है ना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर इक्वल होगा बीसी स्क्वायर के इक्वल। बीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ए बी क्या हो जाएगी हमारी 14, ए सी कितनी है 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 196, इनको ऐड कर देंगे कितना आएगा 6 और 6 12, 9 और 9 18 और 1 19, 1 और 1 2 और 1 392, ये आ गया बीसी का स्क्वायर। तो बीसी किसके इक्वल हो जाएगी अंडर रूट 392, तो इसके फैक्टर्स बनाते हैं क्योंकि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके बनेंगे आपके 2 × 14 × 14, 14 का पेयर बन जाएगा तो 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, ये हमारी साइड आ गई बीसी मतलब डायामीटर आ गया सेमी सर्कल का। देयरफॉर डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल का डायामीटर हो गया, डायामीटर मतलब बीसी की वैल्यू डेट इज 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आ गई, अब इसको हम सपोज कैपिटल आर मान लेते हैं, 14 रूट 2 बाय में 2 डायमीटर का हाफ, 2 से 14 कैंसिल, 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। और जो क्वाड्रेंट की थी उसको हम क्या मान लेते हैं स्मॉल आर, जो रेडियस थी इसको लेट कर लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन,
So area of shaded region, area of shaded region किसके इक्वल है हमारे पास, area of semicircle minus area of segment, ठीक है। अब सेमी सर्कल के लिए तो रेडियस यूज करनी है हमने कैपिटल आर वाली, पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया और इसका हाफ मतलब वन बाय टू या बाय में टू, माइनस सेगमेंट का एरिया क्या होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस वन बाय टू आर स्क्वायर साइन थीटा, यही होता है ना कि माइनस सेक्टर का एरिया माइनस उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इसको बस सॉल्व करते हैं हम, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, कैपिटल आर है हमारे पास 7√2 मल्टीप्लाई 7√2 और 1/2 एज इट इज इसके साथ लगा देते हैं, ठीक है। जो बाय में 2 था ना 1/2 एज इट इज लगा दिया, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 7√2 इंटू 7√2 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 90 डिग्री बाय में पाई आर 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, ये रेडियस कितनी थी 14 मल्टीप्लाई 14 माइनस 1/2 14 मल्टीप्लाई 14 साइन 90 डिग्री ठीक है, साइन 90 डिग्री हो गया। अब सारी वैल्यूज को बस हम सॉल्व करते हैं, अब 7 से 7 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करेंगे बच गया 11, अब 11 की मल्टीप्लाई 7 से 11 जा 77 मल्टीप्लाई रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू, रूट टू का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस 0 से 0 कैंसिल, 9 1 9 9 4 16 1/4 यहाँ बच गया, 7 2 14 2 2 4 2 से इसको भी कैंसिल कर 2 7 14 ठीक है। तो अब यहाँ बच गया 22 की मल्टीप्लाई 7 के साथ, 22 7 154 माइनस 2 7 14 ठीक है, 14 7 98 मल्टीप्लाई साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1 ठीक है। बस अब 77 की मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 7 2 14 कैरी 1, 7 2 14 और 1 15 माइनस ओपन करेंगे ब्रैकेट 154 माइनस माइनस प्लस 98 ये तो कैंसिल ही हो गया, तो आंसर कितना आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। एक बार फिर से देखो क्या था इस क्वेश्चन में, हमें गिवन था कि हमारे पास एक क्वाड्रेंट है ए बी सी, उस क्वाड्रेंट की जो रेडियस है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर और हमें पता है क्वाड्रेंट का एंगल होता है 90 डिग्री। उसके बाद कह रहे हैं जो ये लाइन है बी सी इसको डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया हुआ है और हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो जो सेमी सर्कल है उसकी जो डायमीटर है वो है बी सी, तो रेडियस कहाँ से निकलेगी, अगर हम बी सी वैल्यू निकाल लेंगे तो वहां से रेडियस निकाल सकते हैं, तो इसलिए ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया क्योंकि ये एंगल कितने डिग्री का है 90। तो पाइथागोरस थ्योरम से किसकी वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास, बी सी की वैल्यू मतलब डायमीटर आ जाएगा, डायमीटर आ गया सेमी सर्कल का डायमीटर आ जाएगा तो उसका हाफ हो जाएगी रेडियस, ठीक है। तो अब ये है पूरा सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल के एरिया में से अगर हम ये हटा दें ये पोर्शन, और ये पोर्शन मतलब सेगमेंट है, सेगमेंट है जिसकी रेडियस कितनी है 14, उसको क्या कर देंगे माइनस। तो बस सबसे पहले बी सी निकाला, बी सी आया 14√2 वो तो डायमीटर था, रेडियस आई 7√2, शेडेड रीजन का एरिया हो गया, सेमी सर्कल में से सेगमेंट को क्या करना है माइनस, तो सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 2 और ये सेगमेंट का एरिया हो गया, इसकी रेडियस थी कैपिटल आर क्योंकि वो बी सी से निकली थी और ये रेडियस हमें जो गिवन थी 14। बस सिंपली वैल्यूज पुट अप कर दी, उसके बाद सॉल्व करके ये हमारा आंसर आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइंड रीजन इन द फिगर
common between the two quadrant of the circle of radius 8 centimeter each. अब इसमें ये जो डिजाइन दिख रहा है ना, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो ये कह रहे हैं कि फिगर में जो ये कॉमन रीजन है, किसका कॉमन है, हमारे पास ये दो क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं. क्वाड्रेंट कौन से, एक तो ये ए डी बी, ये वाला, ये शोर आपको, ये वाला पोर्शन, ये ए डी बी, ये क्वाड्रेंट है. और दूसरा क्वाड्रेंट कौन सा है, ये वाला बी सी डी, ए बी डी क्वाड्रेंट, और दूसरा है बी सी डी क्वाड्रेंट. ये दो क्वाड्रेंट है. ये जो आर्क दिखाई दे रही है आपको, ये हमारी वो सर्कुलर आर्क है जो हमारे क्वाड्रेंट्स बना रही है. और क्वाड्रेंट के एंगल हमें पता है 90-90 के होते हैं, और सभी की जो रेडियस है वो कितनी कितनी है, 8 सेंटीमीटर. सभी की रेडियस देखो 8 सेंटीमीटर है. तो उससे देखो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया ना, जो ये शेप बन गई. तो हमें इस पोर्शन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है. तो कैसे निकालेंगे, अगर हम क्या करें कि दोनों सेक्टर्स का एरिया निकाल दें और उनको प्लस कर दें, ठीक है. देखो ध्यान से, सेक्टर का एरिया निकाला तो ये पूरा एरिया आ गया, ये सारा. उसके बाद इस सेक्टर का निकाला, ये पूरा एरिया आ गया, ठीक है. बट मुझे तो सिर्फ इसका चाहिए, उसमें तो क्या हुआ, ये वाला पोर्शन डबलिंग आ गया और ये सारा इंक्लूड हो गया. जब हम दोनों सेक्टर्स का एरिया निकालेंगे, उनको प्लस करेंगे, उसमें हमारा पूरा एरिया कवर हो गया और उसमें दो बार ये आ गया. बट मुझे तो एक ही बार लेना है, तो मैं क्या करूंगी, उसमें से इस स्क्वायर को माइनस कर देंगे. स्क्वायर को क्या कर देंगे, माइनस. अब स्क्वायर को माइनस करने से क्या होगा, उससे माइनस करेंगे तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा, ये पोर्शन हट जाएगा, और बीच वाला भी एक बार हट जाएगा. क्योंकि जब हमने दोनों सेक्टर्स का एरिया निकाला, तो बीच वाला जो पोर्शन था, मतलब डिजाइन वाला पोर्शन था, वो दो बार आ गया. तो एक बार हमें हटाना है, तो एक बार हटाना है मतलब जब हम पूरे स्क्वायर को उसमें से माइनस करेंगे, तो एक बार ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी. सिर्फ क्या बच जाएगा, एक बार का हमारा डिजाइन वाला एरिया, ठीक है. तो बस सिंपल इसमें हमने क्या करना है, दोनों सेक्टर्स का एरिया निकाल के प्लस करना है और उसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस करना है. तो हमें क्या दी हुई है, सबसे पहले सॉल्यूशन में रेडियस कितनी दी हुई है क्वाड्रेंट की, 8 सेंटीमीटर. और क्वाड्रेंट का हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1/4 × πr², ठीक है. सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, पहले एक ही का निकाल लेते हैं, 1/4 × πr², क्योंकि 1/4 तो होता है ना क्वाड्रेंट. 1/4 × π की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 8 × 8 क्योंकि आर स्क्वायर है. 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8. बस अब इनकी क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई आएगी 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया है क्वाड्रेंट का एरिया. और दोनों क्वाड्रेंट सेम आएंगे क्योंकि सबकी उनकी रेडियस कितनी है, दोनों की रेडियस सेम है. अब इसको हम नेम दे देते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी डी, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी डी. तो सिमिलरली जो एरिया आएगा क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट कौन सा है हमारा, बी सी डी, वो भी कितना आएगा, 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि रेडियस सेम है हमारी. तो यही आ गया इसका एरिया. अब हमें एरिया निकालना है किसका, शेडेड रीजन का. एरिया ऑफ शेडेड रीजन डेट इज इक्वल्स टू, इन दोनों का प्लस कर देते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या, ए बी डी प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बी सी डी माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, ठीक है. इनका प्लस मतलब 352/7 प्लस 352/7 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड. साइड कितनी है हमारी 8, इनका तो एलसीएम आएगा 7, तो ऊपर 352 प्लस 352 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यू भी एज इट इज. तो ये 8 मल्टीप्लाई 8,
इनको प्लस करेंगे कितना आएगा 704 बाय में 7 88 जा 64 नाउ एलसीएम इज 7704 माइनस 64 की किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ 448 माइनस कर दो इनको माइनस करके कितना आएगा 256 बाय में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर बस दिस इज योर फाइनल आंसर बस सिंपल इसमें ध्यान रखना है कि दोनों सेक्टर्स का एरिया निकालना है उसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस क्योंकि सेक्टर्स को हम प्लस करेंगे तो बीच वाला डिजाइन एरिया आ जाएगा डबल डबल एरिया आने के बाद उसको हमने एक को तो माइनस करना है और जो बाकी का हमने इंक्लूड जब सेक्टर्स का एरिया ये पोर्शन भी इंक्लूड हो गया ना इनको भी हटाना है तो इसलिए इस पूरे को हम इसमें से क्या कर देंगे माइनस और ये हमारा क्या बन रहा है स्क्वायर ठीक है तो बस सिंपली दोनों क्वाड्रेंट को प्लस कर दिया और स्क्वायर को क्या कर दिया माइनस तो हमारा आंसर आ गया 256 बाय में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर तो बस इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज यही फिनिश होती है आई होप आपको कंप्लीट एक्सरसाइज 12.3 अच्छे से क्लियर हो गई होगी एंड अब तक आई होप सबने अच्छे से फॉर्मूलाज भी लर्न कर लिए होंगे।